हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद आज मुझे टाइम मिला फ्री हुआ मैं, तो सोचा आपको फिर से ट्रम्पेट में कुछ बताऊं नई चीज़। तो पहले सबसे पहली चीज़ तो ये सरगम ही आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सरगम जब याद होंगे तो आप गाने भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो फिर से मैंने आपको और भी वीडियो डाल रखी हैं, कुछ सरगमें बताई, आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और फिर हम आपको एक नई सरगम बता रहा हूँ जिससे आप बहुत सारे गाने निकाल सकेंगे इजीली। बस ये सरगमें जो मेन हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, उनको अच्छे से रियाज करने से आपको गाने बहुत इजीली मिल जाते हैं और बहुत इजीली आप सीख सकते हैं। और तो कुछ सरगमें हैं जो ज़्यादा यूजफुल हैं, ज़्यादा ही यूज होती हैं, तो वो सरगम मैं आपको बता रहा हूँ। तो किस तरीके से आप निकालेंगे ये सरगम बता रहा हूँ। ये कहाँ से ध्यान से बहुत ध्यान से देखें आप मेरे साथ, और आपके पास ट्रम्पेट तो आप ट्रम्पेट लेके मेरे साथ बैठ जाएं और सीखें बहुत इजीली, क्योंकि मैं आपको बहुत इजीली बताने वाला हूँ। हमारे चैनल पर आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो जैसे कि सरगम जो शुरुआत है किस तरीके से इसकी, बिल्कुल कोई चाबी ना दबा करके हमें फूंक डालना है हाथ पे मेरे साथ। बहुत ही इजीली है और बहुत ही सरल है, आप जब सीख जाएंगे उसे। अभी तो आपको लगता होगा लेकिन आप सीख लेंगे तो आपको बहुत इजीली लगेगी। तो ध्यान से देखें, इसकी जो आरोही है बाद में अवरोही, इस तरीके से बहुत ध्यान से देखें, बस खुला से बिल्कुल खुला पे छोड़ना, खुला से शुरू करना, खुला पे छोड़ना है बिल्कुल, कोई चाबी ना दबा करके हमें सरगम को यूज करना। ठीक है, देखें बाजले के आप मेरे साथ मिला, आपको स्लोली स्लोली मेरे साथ जैसे मैं बजा रहा हूँ उस तरीके से हल्के हल्के धीरे धीरे बजाएं स्लोली स्लोली। फिर आप जब स्पीड हल्के हल्के इसकी स्पीड बढ़ाते रहें इसकी जब सुना लेंगे, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ हल्के हल्के इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा बिल्कुल, आप भी ऐसे हल्के बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ जाएगी, आपके हाथ बहुत अच्छे चलने लगेंगे, आप बेझिझक बजा सकते हैं। देखें धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, पहले सरगम की आरोही, अभी सीधी सीधी, उसके बाद दुपल्लू दुपल्लू। अब फिलहाल आप ये सी वीडियो मैंने आपको सीधी से सरगमी बताई, उसके बाद मैं आपको दुपल्लू उसको बताऊंगा किस तरह के दुपल्लू जाते हैं, फिर किस तरह के तिपल्लू जाते हैं, मतलब उसके बाद आपको सरगम जब आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगी ना सब तरीके से, तो आप बहुत अच्छा ट्रम्पेट बजा सकते हैं और अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हैं। बस आपको मैं आपको सिखाने के लिए पूरा निर्भर हूँ, आप बस सीखते रहिए हमारे चैनल को, हमारे चैनल को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सीखना है। और जो लोग सीखना चाहते हैं उनको शेयर भी करें, जो आपके दोस्त हैं भाई बहन जो सीखना है ट्रम्पेट बजाने का मन है सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो मैं आपको एक सीधी सरगम बताइए, आप अच्छे से ध्यान खींच लेंगे एक बार, आपको यूट्यूब समझ में आएगी, आप देख सकते हैं और अच्छे से सीखें। और हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी आपको वीडियो लगी। आपको मैं इसकी दुपल्लू बताऊंगा, आने वाले वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी दुपल्लू मिल जाएगी सुनने को। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।